राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अब सरकारी स्कूल की बच्चियों को भी HPV का टीका लगना अनिवार्य है और वो भी मुफ्त लगेगा। HPV का टीका लगाना क्यों जरूरी है और HPV क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजना खरे जी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। मैं डॉक्टर रंजना खरे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर देना चाह रही हूँ कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है और इसके जो टीकाकरण के लिए जो सरकार ने हमारे कदम उठाया है, हमारी महामहिम राज्यपाल जी ने कदम उठाया है, निर्णय लिए हैं, ये बहुत ही सुंदर निर्णय है। और हमारे जो ये महिलाओं को जो सर्विस का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है महिलाओं में, तो इससे प्रिवेंशन के लिए ये कदम उठाया गया है जिससे कि समाज में सभी महिलाएं सुरक्षित रहें। और ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो इन्फेक्शन होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जब जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादातर शादी के बाद सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, तो उस समय ये इन्फेक्शन होने का जो भय होता है वो बढ़ता है। और देखा जाता है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें इसका खतरा और भी ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, उनमें ही ये निर्णय ले लिया गया है कि ये वैक्सीन उसी समय लगा दिया जाता है जिससे कि उनकी जो सेक्सुअल जो एज होती है, जो सेक्सुअल लाइफ होती है, स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे सुरक्षित हो जाएं और उनको इस कैंसर से बचाव के लिए भरपूर सुरक्षा कवच मिल पाए। तो ये वैक्सीन हमारी सरकार की तरफ से फ्री लगाया जा रहा है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन को। और इसके ये RNA वायरस होता है, इसकी 3 डोजेस लगाई जा रही हैं 016 करके, और ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, ये मैं कहूँगी। हम बच्चियों में ही ये बीमारी क्यों देखी जाती है ज़्यादातर? बच्चियों में ही बीमारी देखी जाती है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये है ना। HPV जो वायरस है वो सेक्स के द्वारा ही बॉडी में, सर्विक्स में, फिर हमारे जनन अंगों में प्रवेश करता है। तो इसलिए महिलाओं जब पुरुष से संपर्क में आती हैं महिलाएं, तो उसी समय ये संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए ये महिलाओं में ये डिजीज़ देखी जाती है। और सर्विक्स जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है कहते हैं, उसके ऊपर ये जो अगर संक्रमण, रिपीटेड संक्रमण, बार बार संक्रमण होता रहता है तो उसमें कैंसर की संभावना होती है। ये इसीलिए इस वायरस को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के बाद यही पाया गया कि इस वायरस का संक्रमण ही एक कैंसर का कारण बन सकता है। तो इस वायरस से रोकथाम के लिए ही इसका वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। मैम, HPV का टीका लगने के बाद कितने परसेंट बचाव हो सकता है? देखिए, परसेंटेज तो एज सच हम इस समय आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है CA सर्विक्स का, कार्सिनोमा सर्विक्स का, कैंसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नोन रीज़न, एंड इससे अगर बचाव, इस संक्रमण से बचाव हो गया तो समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा हमारी महिलाएं जो है वो इस कैंसर से बचाव रख सकती हैं। मैम, अभी आपने डोज की बात बताई हमें, किस उम्र की बच्चियों को ये डोज लगता है और कितने डोज लगेंगे? देखिए, ये डोज जो है वो जैसा कि निर्णय लिया गया है, 9 साल के ऊपर के बच्चों को, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं उनको लगेगा, ये लड़कियों को, और इसके 3 डोजेज लगते हैं 016। 0 डोज लगता है, फिर एक महीने पे, फिर 6 महीने पे, इस तरह से। ये इंजेक्शन काफ़ी महंगा आता है, प्राइवेट में अगर हम लोग लगवाने जाएँ तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर हमें सरकार की तरफ से ये पहल है तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। मैम, अगर प्राइवेट में कोई लगवाता है तो इसकी कॉस्ट कितनी है? देखिए, हमें तो जहाँ तक मालूम है ये कई हज़ार रुपए का आता है ये एक इंजेक्शन। हाँ, 6,000 ऐसे कुछ आता है, जहाँ तक अगर हम गलत नहीं है तो शायद 6,000 का आता है इंजेक्शन। हाँ मैम, लगभग हर साल कितने परसेंट महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो जाती है?
देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ये, है ना। जितनी भी महिलाएं अगर कैंसर से पीड़ित होती हैं तो उसमें स्टडीज़ में पाया गया कि ये कैंसर सर्विक्स जो होता है वो सबसे कॉमन कैंसर है। तो इसका प्रतिशत सारे कैंसर में सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर आता है, छाती का कैंसर। भारत में कितने परसेंट ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं को है, लगभग कितनी महिलाओं को भारत में इसने अपने चपेट में ले रखा है? देखिए, भारत में कैंसर सर्विक्स ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। रिलेटिव स्टडी जब करी जाती है तो विदेशों में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो भारतवर्ष है उसमें जो है वो कैंसर सर्विक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो महिलाएं बहुत कम उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, और उसके बाद एक्टिव के बाद ही उनमें जो मतलब कि प्रजनन की क्षमता है वो भी बहुत ही कम उम्र से शुरू जाती है, और रिपीटेड सेक्स से ये इसकी जो और मल्टीपल पार्टनर से इसकी जो संभावना है वो बढ़ती है। तो इसलिए कैंसर सर्विस भारतवर्ष में अधिक महत्ता रखता है मरीजों को, मतलब महिलाओं को प्रभावित करने में। मैम, आपने अभी ब्रेस्ट कैंसर की बात की है, उसके क्या मुख्य कारण है? देखिए, ऐसा कोई एक कारण हम नहीं बता सकते किसी भी कैंसर का, लेकिन यही देखा जाता है कि अगर माताएं स्तनपान नहीं कराती हैं, स्तनपान से कैंसर की संभावना कम होती है। ये एक बृहत कारण, इसीलिए स्तनपान को हम लोग इतना जोर दे रहे हैं, हर महिला स्तनपान कराए। मैम, अभी आप किस स्टेज में ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी हो जाती है, किस एज में? कौन सी एज में? सर्विक्स की, ब्रेस्ट वाला? सर्वाइकल कैंसर की जो बीमारी है वो किस एज? भी देखिए, जब बार बार संक्रमण होता रहेगा, महिला संक्रमण से पीड़ित रहेगी और भरपूर इलाज नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे वो बीमारी अंदर बैठती चली जाती है, और फिर एक एज आने के बाद 50 से ऊपर, अब आजकल तो जल्दी भी हो जाता है, लेकिन जनरली 50 प्लस में एज में उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये ट्रीटेबल कैंसर है, फर्स्ट स्टेज में जो है हम इसको ट्रीटमेंट कर दें तो इसका बचाव पूरी तरह से हो सकता है और महिला को पूरी तरह से कैंसर से बचाया जा सकता है। मैम, इसके रोकथाम के लिए क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को जागरूक होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जागरूकता के लिए ही तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और जो लोग इनसे अनभिज्ञ हैं इन कारणों से और इन तथ्यों से, तो उसके लिए ही हमारे आप लोग जैसे कार्य कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। और हम डॉक्टर्स भी जो है वो हमारे प्रयत्न रहते हैं कि जो 40 प्लस की एज की जो महिलाएं हैं उनकी नियमतः सर्वाइकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पैप स्मियर एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिससे कि जो सर्विस के ऊपर का जो लेयर है उसको हम चेक कर सकें कि उसमें कोई संक्रमण तो नहीं है और उसमें कोई कैंसर की शुरुआत तो नहीं है। इसीलिए कॉल्पोस्कोपी भी अब करी जा रही है, कई वर्षों से करी जा रही है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, और अब सरकारी अस्पतालों में भी कॉल्पोस्कोपी से भी हम लोग दूरबीन द्वारा ही सर्विक्स की जांच करते हैं। तो ये सारे सब चीज़ें हैं जिनसे कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने सुना डॉक्टर रंजना खरे जी को, और हम इस वक्त लखनऊ के वीरांगना झलकारीबाई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।